एवरीवन, दिस इज प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी के 12 विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अन्य 12 विषयों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, जिसको लेकर छात्र काफी ज्यादा परेशान हैं। और ऐसे में टीजीटी के रिजल्ट को लेकर कई सारी दुविधाएं छात्रों के बीच में देखने को मिल रही हैं, और आज इस वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आपको एकदम सटीक जानकारी देने वाली हूँ। आप सभी को पता होगा कि पीजीटी के कुछ ऐसे विषय थे जिसमें काफी ज्यादा त्रुटियां पाई गई थी, जिसके चलते कई सारी आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थी, और इसी वजह से संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट को जारी करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और एक और वजह सामने निकल कर आ रही है कि 2016 के सामाजिक विज्ञान और कला के विषय के जो रिजल्ट थे और उनका जो कॉलेज का आवंटन होना था, उसको लेकर भी कुछ दुविधाएं चल रही हैं, जिसके चलते अभी तक पीजीटी का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अब सामने निकल कर आ रहा है कि कल आपका पीजीटी का रिजल्ट आ सकता है। और अगर हम बात करें टीजीटी के रिजल्ट की, तो क्योंकि पीजीटी का रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया है, तो अब टीजीटी का रिजल्ट 9-10 तारीख से पहले आने की संभावना कम है। हो सकता है पहले भी आ जाए अगर आयोग पूर्ति में काम करे, लेकिन फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि 9 से 10 तारीख के बीच में आपके टीजीटी का रिजल्ट आएगा। हो सकता है सारे विषयों का एक साथ आ जाए, और हो सकता है 7-8 तारीख से धीरे धीरे रिजल्ट आना टीजीटी के शुरू हो जाए। आई होप सो कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ऑथेंटिक और सटीक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार।